Hello friends, my name is Yogesh, mind trainer, life management coach, Midbrain, activator, my defense, एक बार एक इंसान एक पत्थर की मूर्ति बनाना चाहता था, उस पत्थर को उसने हथौड़े से मारना शुरू किया, जैसे ही वो मारा, वो पत्थर से एक आवाज निकला, वो आवाज था, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, वो फिर से उस मारता है और फिर से वो आवाज निकलती है। वो इंसान जो मूर्ति बना रहा था वो यह आवाज देखता है, यह आवाज कहाँ से आ रही है, तो फिर से काम शुरू करता है, फिर से चिल्लाने की आवाज आती है, मत मारो, मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। सो वो पत्थर को देखता है और कहता है, ये तो इससे ही आवाज आ रही है, पत्थर से आवाज आ रही है। वो पत्थर से कहता है, क्या हुआ? बोले, मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। अरे, मैं तेरी मूर्ति बनाना चाहता हूँ, तेरी मूर्ति जब बन जाएगी उस मंदिर के अंदर, काफी लोग तुझे देखने वाले हैं, दर्शन करने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी दर्द हो रहा है, मत मारो, मत मारो, मुझे छोड़ दो। बोले, ठीक है। वो पत्थर को छोड़ देता है और दूसरा पत्थर लेता है, वो मारना शुरू करता है। जैसे वो मारना शुरू करता है, वो देखता है, अरे यहाँ तो आवाज नहीं आ रही। वो कान लगा के देखता है, सो वो उसमें आवाज नहीं आती। वो पत्थर को एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाता है, एक बहुत विशाल मूर्ति बन जाती है, बहुत खूबसूरत वो मूर्ति बन जाती है। उस मूर्ति को लेके मंदिर में रखते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं उस मंदिर में, उस मंदिर को मूर्ति को जो है कलर लगाते हैं, आभूषण से भरते हैं, वहाँ पे पंडित बहुत सारे लोग उस मंदिर को सच धज के वो मंदिर बन जाता है। वो मंदिर इतना विशाल बन जाता है कि काफ़ी लोग लाइन लगा के उस मूर्ति के दर्शन के लिए आते हैं। इतनी विशाल, इतनी ज़बरदस्त वो मूर्ति बन जाती, इतना फेमस वो मंदिर बन जाता है। अभी एक महीने के बाद, दो महीने के बाद वो मंदिर में बहुत सारे लोग भक्त आते हैं दर्शन लेने के लिए। 6 महीना गुजरता है, 1 साल गुजरता है, बहुत विशालदाय मंदिर हो जाता है। उस मंदिर के आजू बाजू आभूषण, वो मंदिर सजा धजा हुआ, काफ़ी लोग लाइन लगा के दर्शन के लिए आते हैं। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद वो गुजर जाता है। वो मंदिर का नाम चारों तरफ, चारों दिशाएं फैल जाता है। अभी वो इंसान जिसने वो मूर्ति बनाई थी, वो सोचता है, चलो हम जाके देखते हैं उस मंदिर में क्या है, उस मूर्ति किस तरह से मैंने बनाई थी। वो दर्शन के लिए जाता है और वो वहाँ पे मंदिर में आता है तो देखता है कितना विशाल ये मंदिर हो गया है, कितने सारे पंडित, कितने सारे आभूषण मूर्ति को लगे हैं, कितने लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, मंदिर जो है चमक रहा है, वो पूरा मंदिर कलर से, आभूषण से, या फिर चमकता हुआ मंदिर, बहुत विशाल मंदिर बन जाता है। और वो जैसे ही वो लाइन लगा के वो मूर्ति के पास आता है, वो जैसे ही दर्शन लेता है तो उसके कान में एक आवाज आती है, वो आवाज होती है, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। वो आवाज सुनता है, यहाँ वहाँ देखता है, अरे आवाज कहाँ से आ रही है, यह आवाज आ कहाँ से आ रही है। सो वो देखता है, यहाँ वहाँ उसे समझ में नहीं आता। वो मंदिर के बाहर आता है, थोड़े से देखता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। वो मंदिर के बाहर कुछ लोग हैं जो एक पत्थर के ऊपर नारियल फोड़ रहे हैं, वहां से वो आवाज आ रही है। वो पत्थर के पास जाते हैं और वो देखता है, अरे ये तो वही पत्थर है, उस समय पे मैंने ये काम अधूरा छोड़ा था, इस पत्थर की मैं मूर्ति बनाना चाहता था, उससे आवाज आ रही है, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। अरे फ्रेंड्स, वो पत्थर को जाके पूछता है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? बोल रहा है कि मुझे लोग मार रहे हैं, इसको बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मत मारो, मत मारो। वो इंसान उसे पत्थर से कहता है, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, उस दिन मैंने तुझे कहा था थोड़ा सा सहन कर, तेरी मूर्ति बन जाएगी, लोग दर्शन के लिए आएंगे, लेकिन तूने माना नहीं। आज देखो, बाजू वाले पत्थर ने थोड़ा सा सहन किया, थोड़ा सा परिश्रम किया, लेकिन आज देखो वो कितने सारे लोग उसके दर्शन के लिए आए हैं, आभूषण से भरा हुआ है। तू भी वाह हो सकता था, लेकिन तूने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, तूने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना ये चाहता हूँ इस स्टोरी से कि आपके लाइफ के अंदर भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हम अपने
जो भी अपॉर्चुनिटी है उसे हमें ट्रैक करना है, उसके हमें पकड़ना है और आगे बढ़ना है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ हमें ऐसा लगता है कि मुश्किल है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो कीजिए, क्योंकि आज जो बन रहे हो, आज जो आप करने वाले हो, वही आपका भविष्य बना रहा है। सो मैं चाहूँगा कि आप जो इस नतीजे पे आज हो, वो आपके पास में जो भी कुछ किया है उस वजह से आप यहाँ पे हो, और आगे जो आप जो भी कुछ बनना चाहते हो या बनने वाले हो, आज आप क्या करते हो वही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। सो ये वीडियो आप उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जो भी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।